क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओपन एआई। मैं आ जाता हूं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। और लास्ट वीडियो में हमने इसका स्टेप 3 जो है कवर कर लिया था, और स्टेप 3 में ये सारा कोड हमने कॉपी पेस्ट करके इसको टेस्ट किया था। और अब हम कुछ और मजीद इसमें एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आता हूं टेक्स्ट जनरेशन के ऊपर और आता हूं जेसन मोड के ऊपर। जेसन मोड के ऊपर आने के बाद ये कोड मुझे विजिबल होता है, और ये वही कोड है जो हमने कॉपी पेस्ट किया था। बस इसके अंदर एक और इजाफी पैरामीटर है। वो क्या पैरामीटर है? वो है रिस्पॉन्स फॉर्मेट, और जिसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, की है टाइप, और उसकी वैल्यू है जेसन ऑब्जेक्ट। इससे हमें यह पता चलता है कि एल्गोरिथम जो भी हमें डेटा रिटर्न करता है वो जेसन फॉर्मेट में नहीं होता, वो पार्स फॉर्मेट में होता है। तो अगर हमें वो रिस्पॉन्स अगर जेसन फॉर्मेट में चाहिए तो ये इजाफी पैरामीटर हमें उसे पास करना होगा। तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम वही काम करेंगे कि इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने से पहले हम अपना पुराना कोड दोबारा चलाएंगे। पहला कोड चलाता हूं ताकि हमें ईएनवी में जो कुछ है वो इंपोर्ट हो जाए। उसके बाद मैं अपना दूसरा कोड चलाता हूं जो हमने कोड किया था, कॉपी पेस्ट किया था। तो ये कोड चलाने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखो, ये कोड मैंने जैसे ही चलाया तो मुझे एरर मिल गया। एरर पढ़ना जरूरी है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। तो एरर कहता है यू एक्सीड योर करंट कोटा, मतलब कि हमारा कोड ठीक है, हमारे पास जो है वो पेड प्लान नहीं है, फ्री वाला प्लान हम खत्म कर चुके हैं। तो ये मैसेज भी हमारे लिए काफी है कोड को टेस्ट करने के लिए। अब हम एक और कोड करते हैं। क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसमें वही सारा कोड है, इसके अंदर कुछ भी मैं कहना चेंजेस नहीं करने वाला। अगर आपको करनी है, आपके पास प्लान है पहले से या पेड एपीआई है, तो आप यहाँ पर रतन लाल की उम्र पूछ सकते हैं। मेरे पास पेड प्लान नहीं है तो मैं सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और सिर्फ मुझे एरर जानना है कि इसमें कोई कोडिंग का एरर तो नहीं या सिर्फ एपीआई का एरर है। तो मैं यहाँ पर चलाता हूँ प्ले। जैसे ही मैं कोड को चलाता हूं तो हम देखते हैं हमें क्या रिस्पांस मिलता है। तो हमें रिस्पांस मिल गया। रिस्पांस क्या मिला भाई? रिस्पांस देखे वही मिला कि आप जो है एक्सीड कर चुके हैं अपने कोटा को, फ्री वाले कोटा को एक्सीड कर चुके हैं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ प्लान परचेस करना होगा, मतलब ये कोड ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा क्या? जेसन में। जेसन में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं, जब ये कोड हमने चलाया तो अगर मैं एल की प्रेस करूं यहाँ पर, सॉरी, इसको कोड चलाने के बाद अगर मैं एल की प्रेस करूं तो यहाँ पर ये नंबरिंग भी आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको लाना है तो ठीक है, कोड चलाते वक्त यहाँ पे एल की प्रेस करनी पड़ेगी तो ये नंबरिंग भी आ जाएगी। सहूलत के लिए तो हमें आसानी हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इजाफी पैरामीटर हमने इसे पास किया है, इस पैरामीटर से हमें क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। चलें, ये बात भी समझ में आ गई। अब इसके बाद एक और इजाफी पैरामीटर मैं पास करता हूं। मैं कहता हूं स्ट्रीम ट्रू। ये मैंने एक और इजाफी पैरामीटर इसको पास कर दिया। अब ये स्ट्रीम ट्रू क्या है? स्ट्रीम ट्रू समझते हैं। पहले कोड को चलाते हैं और देखते हैं हमें क्या एरर मिलता है। तो मैंने कोड को चलाया। कोड को चलाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे कोटा वाला एरर ही मिले। जी बिल्कुल ठीक है, हमें वही एरर मिला कि आपका कोटा जो है वो खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये जो दो पैरामीटर है, रिस्पांस फॉर्मेट, तो हमें समझ में आ गया कि ये जेसन ऑब्जेक्ट हमें अब रिटर्न करेगा, या जो भी हमें रिटर्न में डेटा मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। लेकिन ये स्ट्रीम ट्रू से क्या मुराद है? देखो भाई, स्ट्रीम ट्रू से ये मुराद है कि मैं अगर चैट जीपीटी के ऊपर आ जाऊं, लाइक चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी के अंदर मैं कुछ इससे पूछता हूं, लाइक मैं पूछता हूं कि भाई रतन व्हाट इज रतन लाल एज, इससे मालूम तो नहीं है, ठीक है पूछ लेते हैं स्ट्रीमिंग को समझने के लिए। जैसे ही मैं ये एपीआई रिक्वेस्ट भेजूंगा तो आप इसे चेक करना कि वर्ड टू वर्ड मुझे डेटा रिसीव होगा। सारा डेटा या सारा जो जवाब है वो एक साथ विजिबल नहीं होगा। जैसे जैसे वर्डिंग आ रही है, ये उसके ऊपर लूप चला रहा है, वो डेटा इस तरह से हमें मिलता जाएगा, वो इस तरह से हमें मिलता जाएगा। तो अगर मैं ये देखूं, चलाऊं इसके ऊपर, तो ये देखो वर्ड टू वर्ड मुझे डेटा मिल रहा है। ये होती है स्ट्रीमिंग, एक साथ डेटा विजिबल होना। लाइक अगर मैं यहां पर आ जाऊं, अब इस एरर को देखना, ये पूरा एक साथ विजिबल होगा। मैं इस कोड को अगर चलाऊं तो ये एरर सारा एक साथ विजिबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये देखो एक साथ विजिबल हो गया, तो ये स्ट्रीमिंग नहीं है। और यहाँ पे जो अभी हमने लिखा है, लाइक मैं इसको दोबारा से टेस्ट करूं, मैंने ऐसे ही कुछ ही लिख दिया कि बस हमें स्ट्रीमिंग चेक करनी है, तो ये स्ट्रीमिंग कहलाती है।
ठीक है ना, ये स्ट्रीमिंग कहलाती है। तो इस स्ट्रीमिंग को हमें हासिल करने के लिए या ऑन करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए हमें एक और इजाफी पैरामीटर पास करना पड़ेगा, वो होता है स्ट्रीमिंग स्ट्रीम ट्रू। ठीक है, स्ट्रीम ट्रू। और स्ट्रीम ट्रू के बाद अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं, तो इसके ऊपर फिर आपको फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लूप आ जाएगा एक्स इन रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। और यहां पर लगाते हैं क्या, इंडेंटेशन, सॉरी, इंडेंटेशन के बाद ये जो है ये काम अब मैं इस फॉर लूप में कर लूंगा। अब इसका क्या मकसद है, मैं इसको कट करता हूं, यहां पे आता हूं दोबारा और इसको पेस्ट कर देता हूं, और इस रिस्पॉन्स को मैं कर दूंगा एक्स। एक्स कर दो, डेटा कर दो, जो आपका मन करे वो कर दो, मुझे इससे कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये करने की क्या जरूरत है, उसके साथ साथ मैं कह देता हूँ कि भाई अगर डेटा नहीं आ रहा तो उसकी जगह खाली स्ट्रिंग रख दो या डॉट 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 लगा दो, कुछ भी लगा दो। ये मैंने इसके ऊपर कंडीशन लगा दी है या पैरा ऑपरेटर लगा दिया है कि अगर ये ट्रू नहीं होता, ये डेटा नहीं आता, तो उसके बाद हमें ये बता दो। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी, आप जो भी लिख दें। अब ये फोर लूप क्यों चलाया, वो फोर लूप इसलिए चलाया कि रिस्पॉन्स के अंदर जैसे जैसे डेटा आएगा लूप चलता जाएगा और हमें डेटा विजिबल होता जाएगा, इसलिए फोर लूप चलाया गया। तो अगर आपके पास एपीआई है तो आप इस कोड को जरूर ट्राई करें। अब हम दोबारा इसको चलाते हैं, लाइक मैंने कोड चलाया और देखते हैं हमें क्या एरर मिलता है। हमें तो कोड का एरर चेक करना है ना, और हमें कोई भी इश्यू नहीं है। देखो हमें बिल्कुल वही एरर मिल रहा है कि आपका जो करंट कोटा है वो पूरा हो चुका है, फ्री वाला। तो यहां तक हमने दो चीजें देखी, वो दो चीजें क्या है, हमने देखा है दो इजाफी पैरामीटर, एक है रिस्पॉन्स फॉर्मेट और एक है स्ट्रीम। दोनों का हमने फर्क देख लिया, दोनों के हमने काम देख लिए, दोनों की हमने वर्किंग देख ली, और दोनों के हमने रीजन देख लिए कि अगर हमें जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा चाहिए तो रिस्पॉन्स फॉर्मेट का पैरामीटर पास करना पड़ेगा, और हमें स्ट्रीमिंग में डेटा चाहिए तो हमें स्ट्रीमिंग को ट्रू करना पड़ेगा। स्ट्रीमिंग क्या होती है वो फर्क भी हमने देख लिया, और इसके साथ साथ हमने इसको कोड करके भी देख लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है पेड एपीआई नहीं है। अगर आपके पास हो या आपके पास फ्री वाला कोटा भी हो तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिस्पॉन्स के बारे में जरूर बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।